हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लेकर आए आपके लिए कोई नई ड्रैग रेस बिटवीन द टी रॉक एंड द ह्यूंडई वर्ना। तो ये ह्यूंडई वर्ना वही वर्ना है जिसने ट्यून्ड वर्टस को भी हरा दिया था एंड ये ट्यून्ड वर्टस के साथ चली थी। ये है 1.5 लीटर की टर्बो चार्ज मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ TGDI, और ये दूसरी तरफ 1.5 लीटर की CBU यूनिट टी रॉक। इसके अंदर आता है 1.5 TSI ईवो इंजन और DQ200 गेयरबॉक्स, मतलब ये लॉन्च नहीं होगी। बट ये गाड़ी स्टॉक नहीं है, ये गाड़ी है ट्यून्ड बाय ई ट्यूनर्स ग्रीस। भाई ने अच्छी खासी ट्यूनिंग करा रखी है और ये प्रोड्यूस करी है 205 BHP के अराउंड विद 330 Nm ऑफ टॉक, स्टेज 2 ECU। दूसरी तरफ वरना हमारी बिल्कुल स्टॉक है और ये प्रोड्यूस करती है 157 BHP, 153 Nm टॉक। बाकी ये सेडान है तो उस चीज का इसको बेनिफिट मिलेगा। बाकी मैं एक बार टी रॉक के ओनर से आपको मिलवा देता हूँ। लक्ष्य भाई, क्या हाल है? बढ़िया भाई। लक्ष्य भाई, CBU यूनिट लिया है, काफी रेयर ऑप्शन है, ऊपर से आपने ट्यून भी करा दी है। वन ऑफ द वेरी रेयर कार्स इन इंडिया जिसमें इतना काम हो रखा है। बाकी ई ट्यूनर्स ही क्यों, मतलब ई ट्यूनर्स के अलावा इतने सारे ऑप्शन होते हैं, आपने ई ट्यूनर्स क्यों चूज करा? यार मैं काफ़ी डीप स्टडी करी मैंने इसमें कि कौन से ट्यूनर चूज करा जाए बिफोर ऑप्टिंग फॉर ई ट्यूनर्स। ठीक है, तो मतलब ब्रांड्स लाइक APR, TVS इनको कम्पीट करता है ई ट्यूनर्स काफ़ी टर्म्स में। अच्छा, एंड अपना ही फिर डीलरशिप भी मिल गई थी। अच्छा, वी आर द सोल यू कैन से ऑथराइज डीलर फॉर द नॉर्थ रीजन फॉर ई ट्यूनर्स ग्रीस एंड BMC ऑल्सो। अच्छा, या इस वजह से ई ट्यूनर्स। तो आप पावर स्पेक्स की बात करते तो 205 BHP एंड 330 Nm ऑफ टॉर्क, स्टेज 2 TCU, क्या लग रहा है भाई? आप ही बताओ पहले। यार इनिशियल से देखा जाए तो वरना ले जा सकती है, रोलिंग में बोल सकता हूँ कि यहाँ टी रॉक जा सकती है। वीर जी, वरना ड्रैग में वरना, बाकी रोलिंग में चली जाएगी टी रॉक। क्यों भाई बताओ? क्योंकि ये वर्टस से हारी और वरना वर्टस से जीती। बिल्कुल भाई, वही इनिशियल वरना का रहेगा आगे, बट मिड टी रॉक का काफी स्ट्रांग है। बिल्कुल, वो तो है भाई। आरव, सेम भाई, सेम। तुषार, क्या लग रहा है? कैसे खुश हो रहा है भाई की स्माइल, एक बार ऐसे ना अलग से छोटा क्लिप करके डालो स्टार्टिंग में। क्या लग रहा है? ट्रैक वरना रोलिंग टी रॉक। चलो स्टार्ट करते राउंड 1 और फिर देखते क्या रहेगा। तो गाइस राउंड 1 के लिए हम आ गए हैं वरना में। भाई क्या मूड रखोगे? भाई ट्रैक्शन एक बार आप दिखा दो। फुली डिसेबल, एसी भी डिसेबल हो गया। ठीक है, एसी हम ऑफ कर दिया, एसी ऑफ कर स्पोर्ट दिया, मोड हमने लगा दिया। भैया हमारी गाड़ी में एसी ऑफ है, ट्रैक्शन ऑफ है एंड स्पोर्ट मोड है। आपकी क्या रख रहे हो आप? हाँ ठीक है, मैक्सिमम पोटेंशियल दोनों गाड़ियां ड्रैग कर रहे हैं, 3-2-1 करवा दें हम या आप बताओ? आप ऑन कर देना। हॉर्न से कर दें? ठीक है, रेडी ना भाई? चलो भाई ड्रैग का राउंड पहले ऑन कर दे रहे हैं। रेडी? जो पुल है ना वरना भाई लैग नहीं है ना इसमें, ये जो पुल है 110 और लेजिट बहुत बढ़िया गैप है। चल यार 140 पे ब्रेक लेता हूं। हां कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं ट्रैक, दो तीन कोई फायदा नहीं है ट्रैक, हम इको मोड में भी हरा देंगे। अब एक काम करते हैं, ड्रैग खींचने का फायदा नहीं क्योंकि उसका ना लॉन्च नहीं हो सकती वो गाड़ी, 400 मीटर क्लियरली यही होल्ड करेगी। मैं अभी मिनिमम कर देता हूं गाड़ी को। ठीक है, इको मोड एनसी ऑन, फिर उसके रोलिंग कर लेंगे सीधा। और दूर कर लेके जाना चाह रहे हो क्या भाई? ले ले थोड़ा आगे ले ले, कह रहे हैं भाई चलो वो मिड में क्या पता कैच करना चाह रहे हो। ड्रैग में तो 400 मीटर का ही। हाँ ड्रैग में तो 400 मीटर नहीं, वो क्या पता हाफ माइल देखना चाह रहे हो। पूछ लेते हैं, लंबी करनी है इधर से ऊपर? हाँ ठीक है, ठीक है, हाँ बिल्कुल लंबी कर लो। चलो देख, क्वार्टर माइल में तो ऑब्वियसली वरना है आगे, और हम देख लेते हैं हाफ माइल। हाफ माइल से ऊपर हो जाएगा। 1 किलोमीटर में कौन आगे रहेगा? पता नहीं यार, 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर में 210 हो जाएगी शायद, या नहीं हो जानी चाहिए, पता नहीं। 180-190 तो मेरे ख्याल से हो जाती है। हो जाती है हां, मेरे को भी यही लग रहा है। चलो कोई नहीं, अच्छा चलो ले लियो। सेम मैं इको मोड और एसी कर रहा हूं भैया ऑन। नहीं एक बार कर रहा हूं, एसी ऑन मत कर, ट्रैक्शन ऑफ, ट्रैक्शन ऑन नहीं कर रहा। एसी ऑन मत करो, हाँ एसी ऑन मत कर, एकदम अनबायस्ड करके ना। नहीं एसी ऑन मत कर, हाँ एसी ऑफ है, मोड चेंज कर ले, ठीक है, डन कोई इशू नहीं। चलो चलो तीन ऑन आप दे दो या तो। अच्छा ठीक है, हम दे देते हैं। रेडी भाई? हाँ जी रेडी। रेडी भाई
ट्रैक कर दिया भाई, ट्रैक भी देखना पड़ता है थोड़ा। आगे ट्रैक के हिसाब से मैक्सिमम बंद, ये देखो आगे बंद है ना इसलिए। वैसे क्लोज रोड पे कर रहे हैं लेकिन फिर भी प्रॉपर सेफ्टी के तरीके से करेंगे गाइस, ये नहीं कि किसी को भी हार्म पहुंचे। अभी बंद है, अभी बंद रोड है, बन रही है। पब्लिक रोड पे हम नहीं करते कभी गाइस, वरना प्रमोट करते यही। रोक लो, यही रोक लो, फिर आगे पीछे करना पड़ेगा। अब क्या करना है, रोलिंग करें? पूछते हैं, मैं मिनिमम का करूं कि रोलिंग करनी है। ठीक है, अब बताओ भैया मैम। नहीं नहीं, अभी रोलिंग करना है आपको मैक्सिमम मैक्सिमम का। अच्छा मैं मिनिमम मैं पोटेंशियल भी करा रहा हूँ गाड़ी का। नहीं नहीं सेम ही रखो भैया, जीत रही है ड्रैग में। या एक काम करो, रोलिंग कर लो फिर आप। इसके बाद रोलिंग करेंगे ना वहां से जरूर। अरे भाई के मैनुअल मोड में लैग कम है, मैनुअल मोड में बाइक के लैग कम है। अच्छा इसलिए कह रहे हैं भाई। चलो हाँ ठीक, डन। चलो भाई सेम पोटेंशियल, चलो ठीक है, रेडी चलो कर। रेडी हो ना? हाँ पूरी निकली होगी पूरी निकली होगी। हाँ पर हमने फिर ब्रेक्स कर लिए थे, हाँ क्योंकि यार वो आगे ना वापस फिर वही बात है। यही रोक लो, यही रोक लो, नहीं थोड़ा आगे। मैनुअल से फर्क आया, मैनुअल से फर्क आया, हाँ 160 to 170 के बीच में। 170 पे आप पूरा क्रॉस कर रहे थे ऐसा था। दोनों कर लेंगे अभी, आप 20 करो यहाँ से, सेकंड 40 करो यहाँ से, लंबा है ठीक है। मैक्सिमम पोटेंशियल रोलिंग तीन ऑन, तीन रोलिंग में 330 NM पत्थर उड़ा रहे भाई, वो रोक ले। रोलिंग में क्लियर टी रॉक, सेकंड गियर 40 के हिसाब से। ड्रैग भाई 20 में टक्कर दे रहे थोड़ी बहुत, ड्रैग में आप छा रहे हो क्योंकि मैनुअल है, मैनुअल है, लैग नहीं है। और वरना मैनुअल भाई चीज है यार, ये नेक्स्ट टू होंडा सिटी का रोनेस इसी गाड़ी में मेरे को फील हुआ है। क्लोज टू होंडा सिटी का जो मैनुअल है ना, कोई लैग नहीं, सीधा भगाओ रॉ गाड़ी, वो उसके बाद यही लगती है मेरे को। कोई सॉफ्ट लिमिटर नहीं, कोई टिक टिक नहीं, कोई बॉक डाउन नहीं, भगाओ। गर्म होने के बाद लॉकडाउन आती है, वैसे बॉक डाउन नहीं होती है गाड़ी। भाई जो रोलिंग की बात है ना उस गाड़ी की, वो है भाई नो डाउट। मैंने सेल्टोस से करी थी तो भी मैंने नहीं माना था, आज पहली बार मैं सेल्टोस से रोलिंग में हारूं, पता है किसी से? ठीक था भाई, बहुत बढ़िया भाई, क्लियर विनर आपकी टी रॉक। अब एक और कर लेते हैं भाई, फर्स्ट गियर 20 में रोलिंग। एक मिनट रुक जाओ, रोलिंग में तो भाई कोई मुकाबला ही नहीं है। हाँ। नहीं है मैक्सिमम भाई, रोलिंग राउंड हो रहा है, स्पीड बढ़ रही है। कोई नहीं भाई, इसमें तो बहुत ज्यादा तेज जाएगी भाई, उसका मिड काफी अच्छा है भाई। टी रॉक का जो मिड है वो है, रोलिंग में भी भाई क्लियर है ना टी रॉक, कोई फायदा नहीं। ब्रेक रोक लो, राइट से भाई है जो गाड़ी में बात है वो है फेयर बिल्कुल। अगर उसमें लॉन्च में लैग है इसीलिए वो हार रही है तो हम मान रहे हैं। दूसरी बात, अगर उसका लॉन्च कंट्रोल एक्टिव हो जाएगा तो हम आ जाएंगे। हाँ, हम आ सकते हैं, हो सकता है। और ये प्रॉपर स्टेज 2 गाड़ी है भाई, ये प्रॉपर स्टेज 2 विद डाउन पाइप, फुल सिस्टम एग्जॉस्ट, सारे कैटलिटिक कन्वर्टर्स वगैरह सब डिलीटेड। भैया कंक्लूजन तो वही है कि ड्रैग में वरना, रोलिंग में टी रॉक। एक अब मैं कर लेता हूँ मिनिमम पोटेंशियल की ड्रैग, मतलब मैक्सिमम ही रखो। मैं सिर्फ इको मोड डाल रहा हूँ और एसी ऑन कर रहा हूँ। हाँ आप मैक्सिमम ही रखो, एसी ऑफ वगैरह सब कुछ आपका। अपना दिखा देता हूँ गाइस, इको मोड ठीक है,
एंड एसी हमने कर दिया ऑन, हमारा एसी ऑन, इको मोड, ट्रैक्शन ऑफ ही है, आपका मैनुअल मार जाएगी, आपका मैनुअल, आपका मैक्सिमम मैनुअल के साथ ड्रैग कर रहे हैं तीन तीन ऑन पे। चलो भाई, चलो भाई देखते हैं। भाई रह गई अब की बारी तो भाई की गाड़ी। कुछ हुआ क्या? नहीं नहीं, उन्होंने हॉर्न वो बजाया, लैग आया आई गेस, है ना, लैग आया। हाँ। चलो कर लो कर लो, चलो फिर से करते हैं। चलो अब लैग नहीं आया, पकड़ेगी तो जल्दी है, पकड़ेगी बहुत जल्दी, पकड़ेगी आप, पकड़ लेगी। 400 मीटर होल्ड करेगी क्या? नहीं करेगी। 400 मीटर ले गई, 400 मीटर ले गई, ले गई, ले गई, जस्ट ले गई, बहुत बढ़िया तरीके से ले गई। रोक लो, पहले 400 मीटर ले गई, पहले ही ब्रेक ले। तो गाइस सारे राउंड देख लिया आपने हमारे टी रॉक वर्सेस वरना के, एंड जो कंक्लूजन यही है कि भाई ड्रैग में आज भी अनडिफीटेड है वरना बिकॉज ऑफ द मैनुअल ट्रांसमिशन। अगर टी रॉक में लॉन्च कंट्रोल एक्टिव कर ले तो शायद जीत जाए, बट उससे पहले तक तो वरना के सामने कोई भी गाड़ी स्टैंड नहीं कर पा रही, कोई अपर सेगमेंट की गाड़ी ही लानी पड़ेगी। बाकी रोलिंग में आपने देख ही लिया कि रोलिंग में कोई भी डाउट नहीं है भाई, टी रॉक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है भाई। ड्रैग में एक्सपेक्टेड कम था हमें थोड़ा, बट मैनुअल का बहुत बेनिफिट है, बहुत बेनिफिट है। अगर ये लॉन्च कंट्रोल एक्टिव हो जाए तो इजीली स्मोक भी कर देगी। हाँ, क्योंकि रिलायबिलिटी इश्यूज, ये नहीं करना कि ड्रैग के चक्कर में दिक्कत आ जाए। तो भाई सैटिस्फाइड विद द रिजल्ट्स, बट ये है कि आपकी गाड़ी ने अंडर परफॉर्म नहीं करा बिल्कुल भी, जहाँ पे उसका फ्लॉ है वो फ्लॉ है, जो उसका पॉजिटिव है पॉजिटिव है। तो अगर जैसे अगर ये अगर रोलिंग में हारती ना तो हम कहते कि टी रॉक में पंगा है, बट क्योंकि उसका गियर बॉक्स वैसा है। भाई सबको आज तक मैं सेल्टोस से रोलिंग में नहीं हारा था, सेल्टोस में इतना बुरी तरह हारा मैं भाई। तो गाइस आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आपको पता ही करना, लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और हम मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, सी एंड बाय बाय।